ऑल सेट टू गो, ऑल सेट टू गो। सबने अपना अपना बाइक कोल्ड स्टार्ट कर दिया है, सबका बाइक स्टार्ट हो चुका है एंड बस अभी निकलेंगे, थोड़ा सा विलेज एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एंड देन हाँ उधर पे एक इंडिया का लास्ट विलेज है जिसका नाम है थान करके, तो हम उधर पे जाएंगे। और सर बता दूँ आपको एक बात, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो नेटवर्क का बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है, हो सकता है आपका जियो थोड़ा बहुत अभी काम कर रहा है एंड बोल रहे हैं यहाँ के लोग कि BSNL पोस्टपेड काम करता है बट अभी वो भी काम नहीं कर रहा है। और इधर जगह जगह पे पहाड़ से पानी नीचे आ रहा है। रेडी, ऑल सेट टू गो। चलो हाँ, लेकिन अभी अर्ली नहीं है, मॉर्निंग है सिर्फ, बाकी निकलते हैं अपन क्योंकि जल्दी से घूम फिर के आना भी है, फिर रिटर्न अपने को पैंगोंग साइड जाना भी है। तो गाइस ये बगल में जो नदी बह रही है इसका नाम है श्योक नदी एंड लुक एट द व्यू, सामने का व्यू पूरा डिफरेंट है अभी। झूले, कौन सा गांव है ये, गांव का नाम क्या है ये? डौमा थांग आगे है, हाँ अच्छा आगे बॉर्डर है, ये अभी डौमा है, डौमा करके। ओके थैंक यू, ओके झूले थैंक यू झूले। तो लैंडस्केप देखो गाइस क्या मस्त है ना, बड़े बड़े पत्थर, मतलब अलग ही व्यू है इधर का। पता है यहाँ से 2.2 किलोमीटर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या था अंदर, बंकर है ना? इंडिया पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट, इंडिया पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट है एंड यहाँ से 200 मीटर है। किधर जाने का है ये बोल रहे हैं, इधर जाने के लिए। जा सकते हैं अपन कैमरा लेके, भाई ये तो बहुत गंदा रोड है, तो उतर जाएगा क्या? तुम पैदल पैदल आएगा थोड़ा सा। तो गाइस फाइनली व्यू पॉइंट पे तो पहुंच चुके हैं अपन। सो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट एंड थांग द लास्ट बॉर्डर विलेज ऑफ इंडिया। दिस इज आवर इंडियन फ्लैग एंड दिस इज आवर प्राइड। सो दिस इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया एंड इसके बाद में उधर पे पाकिस्तान है।